नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। सेक्टर 76 में बहुत सारे लोग जुटे हैं, बिजली पानी और अन्य समस्याओं से, रोड में गड्ढे, बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग बहुत परेशान हैं। और यहां पर बहुत सारे लोग जुटे हैं, बीपीटीपी एरिया पड़ता है, बीपीटीपी की सोसाइटी है और बीपीटीपी सोसाइटी में रहने वाले निवासी हैं, अपनी समस्याएं बताएंगे। बहुत सारे लोग आइए चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं पब्लिक किस लिए परेशान है और उनकी एक एक परेशानी जानेंगे। पटना भैया थोड़ा सा पता नहीं, यही तो नहीं मालूम भाई, वो उसने जब बोल दिया सर, बताने तो थोड़ा सा भाई सर, तो इतना फेलियर क्यों हो रहा है फिर भैया? भाई भैया थोड़ा सा भाई साहब आओ, क्या हाल है? थोड़ा हटेंगे भाई साहब, आ जाओ भैया, आओ फरीदाबाद न्यूज, थोड़ा हटेंगे भैया, चलो ज्यादा जगह नहीं है आप मुझे। ये नहीं देने वाले हटना जी भैया, आओ आओ बैठो, आप पीछे आ रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं पब्लिक बहुत परेशान है और अधिकतर जो बिजली की समस्या है उससे परेशान है लोग। देख रहे हैं पब्लिक कितनी परेशान है, लोग हंगामा कर रहे हैं। तो 2.2 में तो एक एसी भी नहीं चलेगा। पिछले 10 दिन का रिकॉर्ड ले लीजिए, पता चल जाएगा कि एक यूनियन में कितने कटे और आपने कितने कटे हैं। देख रहे हैं आप लोग कितना परेशान है, लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं बीपीटीपी के अधिकारियों को। जनता कह रही बिजली नहीं आती, अधिकारी इस बात को नकारने का प्रयास कर रहे हैं, जनता की परेशानी को इग्नोर करने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी वजह से पब्लिक और ज़्यादा नाराज हो रही है। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, एक एक करके बात करो। मैडम थोड़ा बात करो, आपने इधर करो, मैडम का करो, क्या कर रहे मैडम, इनको धक्का देखो तो मत थोड़ा इधर आ जाओ। क्या क्या परेशानी है, आप लोग कहाँ से आएंगे बताएं? सर मैं आरपीएस पाम से हूँ, इंदिरा कोठारी। नहर पार की सभी समस्याएं जो बिल्डर द्वारा जनरेटेड है सब सेम है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी समस्या है इस गर्मी के अंदर। इनके सैंक्शन लोड कुछ और है हमारे बायर एक्सेलर एग्रीमेंट में, और ये जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये रेड्यूस कर करके प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हर टाइम जो सैंक्शन लोड है उसको कट करके कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देते हैं, और जो हमें मिलना चाहिए वो हमें मिल नहीं पाता। सिचुएशन ये है कि पूरी गर्मी में हमारा 2 घंटे भी एक एसी नहीं चल पाता है। अभी लोग परेशान हैं, हंगामा कर रहे हैं, किससे बातचीत हो रही है? हमारी बीपीटीपी बिल्डर से बातचीत हो रही है, लेकिन ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डाटा नहीं है। हम जो डाटा दे रहे हैं ये उसको मानते नहीं है। हमारे पास रिटर्न में सारे प्रूफ हैं। ये कहते हैं DHBVN के कट है, हमारे पास उसके भी रिकॉर्ड है। DHBVN से ज्यादा डबल और ट्रिपल टाइम्स तो बिल्डर कट लगा रहे हैं। तो आप बताइए उसका क्या सॉल्यूशन है इस गर्मी के अंदर? बच्चे बीमार हैं, बूढ़े बीमार हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, परेशान है।
बीपीटीपी वालों से बहस हो रही है, क्या वो आप लोगों की परेशानी नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं समझ रहे सर। ये जो एसी में बैठते हैं, इनके जो एसी लगे हुए हैं, सेंट्रल एसी लगे हुए हैं जो दिन रात चलते हैं, तो ये आम जनता की परेशानी क्या समझेंगे और कैसे समझेंगे? कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास की सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास के फ्लैट हैं, वर्ल्ड क्लास के अपार्टमेंट्स हैं और भी विलाज वगैरह हैं वर्ल्ड क्लास, क्या इनकी बातें झूठी हैं? सारी की सारी झूठी है सर। बातों में तो ये हमें चांद पे भी प्लॉट खरीद के दे देंगे, उसका क्या है? जब से बना है आप खुद हालत देखिए, आप सब भी फरीदाबाद के निवासी हैं, नहर पार की हालत मैंने आपको हमेशा दिखाई है, हमेशा बताई है, लेकिन आज तक बीपीटीपी कंपनी के सभी दावे झूठे हैं। आप बीपीटीपी कंपनी के टोटल ए से लेके जेड तक सारे दावे झूठी झूठ पे टिका हुआ है ये बिल्डर। नारेबाजी चल रही, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल मुर्दाबाद के भी लगाएंगे और हम चाहते हैं जैसे जिंदल जेल के अंदर निमका में बैठा है, ये भी निमका में बैठे। कंप्लेन सुनने को तैयार नहीं है ये, किसी की कंप्लेन सुनने को तैयार नहीं है ये, बल्कि हमें डराते हैं, धमकाते हैं, बाउंसर की धमकियां देते हैं, पुलिस की धमकियां देते हैं, हम जैसे दफ्तर बंद कर देते हैं, हम जैसी लेडीज को कहते हैं ये तो नंग औरत है। करीब आधा ग्रेटर फरीदाबाद इनके कब्जे में है मेरे ख्याल से, बीपीटीपी वालों के, तो हर जगह ही सोसाइटी। बिल्कुल नहर पार जो भी सोसाइटी बसी हुई है बीपीटीपी की सोसाइटी है, सारा का सारा एक ही तरह का मंजर आपको देखने के मिलेगा। आप अभी रोड से भी आए होंगे, कहीं रात को लाइटें नहीं जलती, गड्ढे बने हुए आए दिन। विकास अरोड़ा जी के भी संज्ञान में है कि गड्ढों में एक्सीडेंट हो रहे हैं, सिविर के ढक्कन खुले हैं, लाइटें कहीं जलती नहीं है। अगर स्ट्रीट लाइटें भी जले तो कम से कम हमारी थोड़ी जान तो बच जाए, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी गाड़ियां सब तबाह हुई जा रही है, लेकिन न प्रशासन ध्यान देता है, न बिल्डर ध्यान देता है, न एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देता है। सड़क पे खड़े रहते हैं बीचों बीच। अभी भी मैं आई हूँ तो कम से कम 10 आवारा पशुओं को टापते हुए आई हूँ। जब दिन में यह हाल है तो रात में तो वो दिखते भी नहीं है, आप सोचिए क्या होगा। हम अपनी जान को हथेली पे लेके निकलते हैं घर से बाहर, कोई श्योरिटी नहीं होती कि हम वापस घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। चलो ठीक है मैडम से हमने बातचीत की। सब सड़क पे दुकानें लगा रखी हैं। क्या नाम है आपका? जेके कौशिक। आप भी यहीं रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहता हूँ, सोसाइटी 88 में। क्या समस्या है आपकी? वहाँ सड़क पे पशु खड़े रहते हैं, रोडों पे दुकान लगवा रखी है, बाजार बसा रखे, और वहीं पे ओपन में मीट मार्केट खोल रखा है जो कि प्रोहिबिटेड है, मार्केट में होना चाहिए ओपन में, बकरे और वो काटे जा रहे हैं वहीं गनासे से। लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, मान रहे हैं? नहीं सुनते, देख के दफ्तर बंद कर लिया, सील कर लिया के चले जाएंगे, बात नहीं सुन के राजी हैं, कंप्लेन नहीं सुनते। सर इनका क्या है, ये तो आज यहाँ से बेच के या किराए पे हैं तो छोड़ के चले जाएंगे, हमारा क्या होगा जो हमने खून पसीने की कमाई यहाँ लगा रखी है। हमने भी लगाई है जगह जगह, सब ने यहाँ पे अपना एक एक पाई जोड़ के किसी तरह घर खरीदे हैं, जगह जगह शराब के ठेके और मीट की दुकानों के अलावा कोई डेवलपमेंट नहीं है। आइए देखते हैं क्या बातचीत चल रही है इधर, बीपीटीपी के लोग हैं, अफसर हैं। अलग अलग सोसाइटी से लोग आए हैं, पंकज जी हम यहाँ को डाइल्यूट कर रहे हैं, अभी का कल मैसेज आया था
तुम एजेंट हो क्या इनके? आप एजेंट हो क्या? आपने मीटिंग क्यों करी? आप हो कौन? आपको किसने राइट दिया? आप लोग एक बार इनका पहले पूरा कंसर्न सुन ले। नहीं सुनना, नहीं उसके बाद हम बोलेंगे। पूरी बात करेंगे और दूसरी बात हम डिमांड की संजीव जी ने आने की, आप दोनों प्लीज यहाँ आइए और आप बात कीजिए, आप गाड़ी भेजिए, आप गाड़ी भेजिए, उनको बुला के लाइए प्लीज। चलो ठीक है ठीक है, आगे बोलो आगे बोलो आगे 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 उसका के उसका क्यों वोट।